गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे विभाजित होना, या उसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी। विभाजित होना क्या होता है? देखिए, जब हम किसी संख्या को भाग करें और शेषफल शून्य आए तो हम कहेंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित हो गई। तो जैसे हम करेंगे, एक संख्या को हम दूसरी संख्या से भाग करें और शेषफल जीरो आ जाए, तब विभाजित होना कहा जाता है उसे, या डिविजिबिलिटी कहते हैं। इंग्लिश में डिविजिबिलिटी, हिंदी में विभाजकता। ठीक है, जैसे अगर हम चार को दो से भाग करें चार दो, दो दुनी चार, शेषफल जीरो। तो चार क्या है? दो से पूरी तरह से विभाजित हो गया, शेषफल जीरो आ गया, तो मतलब वो संख्या दूसरी संख्या से विभाजित हो गई। ऐसे ही हम एक और उदाहरण लेंगे, 132। इसको भी हम दो से ही भाग कर रहे हैं, ये भाग का चिन्ह है ना। अब इसको 132 और उसको दो से भाग, दो छिके 12, तीन में से दो गया एक, एक में से एक गया जीरो, और ऊपर से आया दो, दो छिके 12, 12 घटा 12 जीरो। तो पूरी तरह से ये, इसे विभाजित होना कहते हैं। आया समझ में सभी को? विभाजित होने का अर्थ क्या है? अगर हम उसको उस संख्या से भाग करें और शेषफल जीरो आ जाए, इसका अर्थ है कि वो संख्या विभाजित हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम चार को हमने दो से भाग किया, छः को दो से भाग करें, आठ को दो से भाग करें, दस को करें, तो जो भी संख्याएं उस संख्या के पहाड़े में आ रही हैं, तो वो उससे क्या है? विभाजित ही हैं। दो पंजा 10, शेषफल 0। तो जब भी हम पहाड़े वाली संख्या को विभाजित करेंगे तो हमारे पास शेषफल 0 ही आएगा। पहाड़े 10 आता है दो के पहाड़े में। ऐसे ही आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, आपको देखना है कि ये इनसे विभाजित होते हैं या नहीं। विभाजित होना तभी कहा जाएगा जब शेषफल जीरो आए। अगर मैं 15 को दो से भाग करती हूं तो दो साते 14, 15 नहीं आता है 14 दो के पहाड़े में, तो हमारे पास शेषफल आया एक। तो इसका मतलब 15 दो से विभाजित नहीं है, 15 दो से विभाजित नहीं हुआ। ठीक है, और चार दो से विभाजित हो गया, 10 भी दो से विभाजित हो गया, 132 दो से विभाजित हो गया। तो आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि ये विभाजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।